क्वेश्चन बोलते हैं डिवाइड एंड चेक योर आंसर, इस वीडियो में हम आंसर चेक करना सीखेंगे, फॉर डिवाइड करेंगे देन आंसर चेक करेंगे, ओके। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, 456 डिवाइडेड बाय 4, क्या करने के लिए हम डिवाइड करेंगे फिर हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है नहीं, ठीक है। अरे यहां 456 डिवाइडेड बाय 4, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिवाइड करना बताया है, डिवीजन हम आगे से करेंगे, ठीक है। इस नंबर में 4 से डिवाइड करना है, इस नंबर को यहां अरेंज करेंगे और 4 को यहां अरेंज करेंगे, फॉर डिविजन चेक करेंगे, 4 के टेबल में 4 आता है, 4 बन जा 4 1 टाइम पे, तो 1 हम यहां लिखेंगे और 4 के नीचे 4 अरेंज करेंगे, देन हम करेंगे माइनस, ओके। 4 माइनस 4 0। अब जो नेक्स्ट डिजिट है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले डिजिट पे डिवाइड किया, अब नेक्स्ट डिजिट पे डिवाइड करेंगे, तो हम नेक्स्ट डिजिट को डाउन करेंगे, ओके। यहां पर एक बार में एक डिजिट ही हम डाउन करेंगे, ओके, ये हो गया 5। अब चेक करेंगे 4 के टेबल में 5, 4 में जा 4, 4 2 जा 8, 8 आता है, बट या तो नंबर इसके इक्वल होना या इससे छोटा होना, इससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे, तो 4 के टेबल में 5 से छोटा आता है 4, 1 टाइम 4 में जा 4, ओके। 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, ठीक। अभी हमने 4 और 5 पे डिवाइड कर दिया, अब 6 बचा हुआ है, अब हम 6 को डाउन करेंगे, ठीक। 6 को यहां डाउन करा तो 1 एंड 6 बिकम 16, यहां पर 1 एंड 6 हो जाएगा 16, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 टाइम 4 4 जा 16, एंड 16 माइनस 16 इज 0, ओके। हमने सारे डिजिट को डाउन करके डिवाइड कंप्लीट कर लिया, अगर यहाँ पर और भी डिजिट होती है तो हम यहाँ पर डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा डिवीजन का आंसर होगा, जिसे हम कहेंगे कोसाइन, ये है हमारा कोसाइन 140, ठीक। और यहाँ पर जो बचा है वो होगा हमारा रिमाइंडर, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है 0, ठीक। अब हम डिवीजन करने के बाद करेंगे आंसर चेक, ठीक। अब आंसर चेक के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, आंसर चेक मल्टीप्लाई कोसाइन प्लस रिमाइंडर। आंसर के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, ठीक। क्या देखते हैं हम इस कोसाइन और डिविजर का इनटू करेंगे, ठीक। कितना डिविजर आ रहा है, 4 इनटू कोसाइन है हमारा 140 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ओके। क्या करें इन दोनों नंबर्स का हम इंटू करेंगे, 114 को ऊपर अरेंज करें और 4 को नीचे, 4 को 16 का 6 1 के लिए, 4 बजा 4 प्लस 1 5 एंड 4 बजा 4, ठीक। और रिमाइंडर कितना है 0, इस रिमाइंडर को अगर हम यहाँ पे ऐड करें 6 प्लस 0 0 6 5 4, ये नंबर आ जाएगा 456। अब देखिए हमारा डिविडेंड कितना है 456, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 456 आ रहा है, दैट मींस आवर डिविजन इज